और भाजपा का भूपेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ प्रदर्शन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। किसानों के मुद्दे पर भाजपा ने प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना दिया। बीजेपी के प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी और 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 24 घंटे के भीतर किसानों के भुगतान की व्यवस्था करने की मांग की है। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्रैक्टर पर धरना स्थल तक के लिए रवाना हुए हैं और धरना स्थल पर किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। विष्णुदेव साय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बातचीत करते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक्टर से आप निकले हैं आज धरना स्थल के लिए? छत्तीसगढ़ के किसानों की जो ज्वलंत मांगे हैं उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता किसानों के साथ एक दिवसीय धरना पर हैं और हम लोगों की छत्तीसगढ़ सरकार से मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीद चावल छत्तीसगढ़ का लेगी और 2 साल का बोनस जो इन्होंने वादा किया है देने का उसको शीघ्र दें। पंजाब में राहुल गांधी ट्रैक्टर पर नजर आते हैं, छत्तीसगढ़ में आप ट्रैक्टर पर निकले हैं, ये ट्रैक्टर के किस तरीके की राजनीति देश में दिनों चल रहा है? ट्रैक्टर तो किसानों के लिए के हथियार है ना, किसानी करने के लिए, लेकिन हम लोग वास्तव में किसान हैं, राहुल गांधी कोई किसान नहीं। बीजेपी इस पर एक आरोप लगा रही है, इसे लेकर किस तरीके से मुखरता के साथ आप लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे, हालांकि आज प्रदर्शन कर ही रहे हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार का नियत ठीक नहीं है, वो कम से कम किसानों का धान खरीदना चाहती है, इसलिए गिरदवाली करके जो धान का रकबा है उसको घटाना चाहती है, इसके विरोध में हमारी पार्टी है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार अपनी बात पर कायम है, सरकार की दलील देती है, बीजेपी इस पर किस तरीके से काउंटर करे? वही तो हम मांग कर रहे हैं कि जो अंतर की राशि उसको शीघ्र दे, नया फसल खरीदी के पहले दे, 1 नवंबर के पहले 2 किस्त को 1 मुश्त दे। आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? हाँ, हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम आगे और आंदोलन करेंगे। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और जिस तरीके से बीजेपी आज धरना प्रदर्शन कर रही है, न केवल रायपुर में बल्कि प्रदेश व्यापी आंदोलन बीजेपी का है, मांग इस बात को लेकर है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी।